बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर, चैप्टर नंबर 13 का करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर। अब हमें पता है कि मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंडिविजुअल एटम्स नहीं होते, बल्कि उनकी मोशन जो होती है वो क्या होती है, रैंडम मोशन होती है। और वो किस तरह, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए और किसी भी कंटेनर में, तो ये उस ये जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होते हैं, लेकिन एटम से सेपरेट नहीं होते। जब ये फ्री होते हैं तो ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर हमें पता है क्या होता है, गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर वो हमें पता है, नॉट गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है ये किस पे डिपेंड करता है, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब हमारे पास ये एक मेटालिक वायर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये ब्लू वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकी रैंडम मोशन है, कुछ की ऊपर है, कुछ की डाउनवर्ड है, कुछ की लेफ्ट साइड पे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं राइट साइड पे हैं। इस तरह ये जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं। जब ये कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, और ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। कुछ जो हैं वो राइट साइड पे मूव करेंगे, कुछ लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। आफ्टर द मोशन देयर इफेक्ट विल बी जीरो, इनका इफेक्ट क्या होगा, जीरो जीरो। और इसके इसमें यहाँ पर हमारे पास उसके अंदर वायर के अंदर जो होगा करंट जो होगा वो जीरो होगा। अब हम इसको इस वायर को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी के साथ, ठीक है। बैटरी के साथ जब हम इसके कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास पहली बात, तो हमारे पास जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो हमारे पास जो है सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सेटअप। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होके किधर जाती है, नेगेटिव। ये एरो की डायरेक्शन ये शो करती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये है हमारे पास यहाँ पर, ये इनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो जाहिर है कितना इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और वो नेगेटिव हैं, तो उन्होंने किधर जाना, उन्होंने पॉजिटिव के। अब ये देखें उनकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब ये किधर मूव करने शुरू कर दिए हैं, ये एक डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू है। इट मीन अब वो जो मूव कर रहे हैं, जब वो मूव करते हैं तो उनके कोलाइजन्स होते हैं। जब वो कोलाइजन्स होते हैं तो वो करते हैं कि वो एक्सरे कोलाइजन होने के बाद वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो एक्सरेट करते हैं, और फिर वो अक्वायर करते हैं एवरेज वेलोसिटी। वो वेलोसिटी कौन सी होगी, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जो होगी ये क्या होगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ होगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वेलोसिटी इज नोन एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 10^-3 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जब ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब वो कौन सी ले लेते हैं, वेलोसिटी कौन सी अटेन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये हमेशा क्या होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द रूम टेम्परेचर जो होगी किस वजह से होती है, ड्यू टू देयर थर्मल मोशन। और थर्मल मोशन की वजह से क्या होती है, सेवरल हंड्रेड किलोमीटर पर सेकेंड। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इसमें इसके दरमियान वायर है, जब हमने इसको बैटरी में कनेक्ट कर दिया, देयर इज अ फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा,
steady current will be flow this wire. अब जब हमारे पास हमने कल जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था करंट दोनों कन्वेंशनल करंट और दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट. बोथ दो भी हो सके कन्वेंशनल हो या इलेक्ट्रिक करंट आर फ्लोइंग इन ए सर्किट किसी भी सर्किट में फ्लो करेगा तो टोटल करंट हमारे पास क्या आएगा आई टोटल इज इक्वल टू आई पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव. टोटल करंट जो होगा वो दोनों चार्जेस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से होगा. तो ये हमारे पास है करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर 13.1 का टॉपिक है. अगला हमारे पास है सोर्सेज ऑफ करंट. अब सोर्सेज हमें पता है कि हम किसी वायर को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वायर के साथ लगा दें और उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और उसको हम क्या कहते हैं हमारे पास वो सोर्स है. अब डिफरेंट तरह के सोर्स हैं हमारे पास. हमारे पास सबसे पहले जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं वो हमारे पास ड्राई फैन है. मोस्ट कॉमनली यूज हैं प्राइमरी फैन है. प्राइमरी फैन का मतलब नॉन रिचार्जेबल है तो वो चार्ज नहीं होते. सेकेंडरी फैन है जो कि रिचार्जेबल होते हैं. वोल्टिक फैन है जो कि कन्वर्ट करते हैं वोल्टिक फैन उसको कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू दी किसमें कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी इनटू दी उसको में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. वोल्टिक सेल जो होते हैं इसमें कन्वर्ट करते हैं वोल्टिक सेल जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारे के सारे उसमें बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं वोल्टिक सेल जो है. अब अगला हमारे पास है इलेक्ट्रिक जनरेटर. अब वो क्या करता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी बारे इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो काम होता है वो क्या होता है मैकेनिकल मोटर काम करती है इस वजह से वो किसको इलेक्ट्रिक जनरेटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. फिर हमारे पास सोलर सेल है. सोलर सेल जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. थर्मोकपल जो है वो क्या करता है हीट को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ये हमारे पास क्या है सारे के सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. आगे हमारे पास एग्जांपल 13.1 को में हमने क्या फाइंड आउट करना है आई फाइंड आउट करना है. मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि उसमें है क्या और हमने क्या फाइंड आउट करना है. 1.0 इन 10^17 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए कंडक्टर इन ए 1.0 माइक्रोसेकेंड फाइंड द करंट इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10^-19 कूलम. तो ये मैं उसका डाटा बना लिया है. एन हमारे पास क्या है 1.0 × 10^7 ई हमारे पास क्या है 1.6 × 10^-19 कूलम. टाइम क्या है 1.0 माइक्रोसेकेंड. अब इसको हम माइक्रो को हमने उसमें कर लिया सेकेंड में 10^-6 सेकेंड. अब हमें पता है करंट क्या होता है. कल हमने पढ़ा था करंट है चार्ज पर यूनिट टाइम. अब चार्ज हमारे पास क्या है एन ई ओवर टी वैल्यूज पुट कर दी 1.0 × 10^7 इंटू 1.6 × 10^19 डिवाइडेड बाई 1.0 × 10^-6. अब ये हमारे पास ये इससे कैंसिल हो गया बाकी हमारे पास 1.6 × 10^7 ये ऊपर जाके प्लस होगी 6 माइनस हमारे पास 19 है. अब 7 और 6 कितना 13 माइनस हमारे पास 19 है. 13 में से माइनस गए 19 में से 13 गए तो हमारे पास कह रहा गया माइनस 6. अब हमारे पास कूलम पर सेकंड किसके खुलते हैं एम्पियर के. तो ये हमारे पास 1.6 × 10^-6 एम्पियर. तो ये हमारे पास का रिजल्ट आ गया है. थैंक यू.